ट्रांसलेशन टिप्स में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वर्ड, कंजक्शन। तो कंजक्शन जो हमारे पास है ये एज सून एज मीन्स होता है दोस्तों जैसे ही। अब इस टाइप के केस में दो काम एक साथ होते हैं, याद रखिएगा। जैसे ही काम पूरा होता है तुरंत उसके बाद दूसरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा चपरासी ने घंटी बजाई। तो याद रखिए इस टाइप के सेंटेंसेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस में डायरेक्टली यूज करेंगे एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल में याद रखना है। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। तो जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा चपरासी ने घंटी बजाई। तो यहाँ पे यू सेंटेंस हो जाएगा, एज सून एज आई रीच स्कूल द प्यून रेंग द बेल। तो यहाँ पे प्यून ने घंटी बजा दी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं इस वर्ड का, एज सून एज का, किसी भी सेंटेंस में। जैसे सेंटेंस आपको कोई भी बनाना है, जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। और इसी टाइप के और भी बहुत सारे वर्ड्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है, देख लीजिए। और भी बहुत सारे वर्ड जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।